तो इस शहर में हर एक बंदी हर एक बंदा अपना अपना योगदान देता है इस शहर का निर्माण करने में। अगर आप ये झुग्गियाँ देखेंगे ये हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है, हम उसको बोलते हैं सेल्फ डेवलप्ड हाउसिंग, हमने खुद घर बनाए। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2022 तक आप सबको घर देने वाले हैं, देखो हमने तो आपके पहले ही बना दिए, अब वहाँ पानी चाहिए, अब हमको थोड़ी सी लैंड चाहिए, अब हमको वहाँ पर थोड़ा अपग्रेडेशन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो शहर हम बनाते हैं। तो और सिर्फ हम नहीं, हम सभी वर्गों के लोग शहर बनाते हैं। तो ये जो समझदारी है उसको हमको विकसित करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि जो श्रमिक तबके के साथी है उनमें वो विश्वास अभी रहा नहीं है, ये इतना बड़ा शहर हम क्या करेंगे, ये बड़ा नगर सेवक, बड़ा आमदार, बड़ा खासदार, हम क्या कर रहे हैं, हम तो गरीब इंसान, हम ऐसे इंसान, इस तरीके की एक भावना। और एक भावना ऐसे कि पॉलिटिशियंस स्क्रूड द सिटी, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, दे डोंट नो एम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द सिटी, दे डोंट हैव एनी कैपेसिटीज टू गवर्न द सिटी, ये भी एक भावना है। और ऐसे कई भावनाएं हैं, पर ये भावनाओं के साथ हम सब लोग क्या कर रहे हैं, जब तक हम सिर्फ इस भावनाओं की चर्चा करते रहेंगे तब तक इस शहर में सिर्फ एक केओस खड़ा है। हाँ, केओस बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, पर वो केओस को आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, उसको आप कंसोलिडेट कैसे करेंगे, तो वो कंसोलिडेशन जो है, वो उसका जो रूपांतरण जो है, वो रूपांतरण जो है वो एक कॉन्क्रीट डायलॉग में होना चाहिए, एक रचनात्मक संवाद में होना चाहिए। और वो रचनात्मक संवाद इस शहर के साथ साधने की कोशिश जो है वो कोशिश में हम जुड़े हुए हैं। वो कभी हमारा शहर मुंबई अभियान से हो, कभी पानी समिति से हो, या अलग अलग फोरम्स के माध्यम से हम उस तरीके से जुड़े हुए हैं, राइट टू बी। तो ये जो जुड़ना है, इस जुड़ने में जब मैं देखता हूँ तो ये जो समझदारी है शहरों के प्रति हमारी, वो खुद जो जिम्मेदारी लेनी है, खुद जो उसकी ओनरशिप लेनी है, मलकियत लेनी है, वो मलकियत लेने के लिए अभी हमारा रेजिडेंस है उसको नागरिकों ने कम करना चाहिए और पूरे दिल से उनको बनाना पड़ेगा कि ये शहर जो है वो हमारा है। और तब आपको ये हक होगा ना कि सिर्फ प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करना ये आपका एक एक्सप्रेशन है, जस्ट टू रिकग्नाइज यूर सेल्फ कि देखो हम हैं इधर, वी कैन क्रिएट न्यूएंस, बट फॉर वॉट, हम क्यों ये न्यूएंस खड़ा करेंगे, कि नॉट सेक ऑफ द पावर, वो पावर के लिए न्यूएंस खड़ा नहीं करेंगे हम लोग रास्ते पे, सिर्फ हमको सत्ता मिला इसलिए नहीं। तो इस शहर को कैसे सुधारना चाहिए, इस शहर का हर इंसान इस शहर का है, इसकी मानसिकता बनानी चाहिए, उस तरीके का एक समझ मैं रखता हूँ, क्योंकि हम एक शहर नहीं है। मैं बहुत बार जब नारा देता हूँ आंदोलनों में तो बहुत जोर से एक रिस्पांस आता है, हम सब बोला तो सब जोर से चिल्लाते हैं एक है, और फिर मैं कहता हूँ कैसे हो एक, क्योंकि ये शहर में डाइवर्सिटी है, हम वर्गों में बटे हुए, हम लिंगों में बटे हुए, हम जातियों में बटे हुए हैं, हम श्रमों में भी बटे हुए हैं, हम धर्मों में बटे हुए हैं, भाषाओं में बटे हुए हैं। आपको बहुत ताज्जुब होगा ये सुन के कि जब पानी सबको मिलना चाहिए, यहाँ बैठे हुए सब मानते हैं पानी सबको मिलना चाहिए, है ना, शायद मानते होंगे, तो पानी सबको मिलना चाहिए, इसके ऊपर जब बहस होती है तो मेरा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो ये बहस करते हैं कि ये तो सब परप्रांतीय लोग हैं, उनको पानी क्यों देना चाहिए, ये लोग जो हैं वो झोपड़पट्टी बनाते हैं उनको क्यों पानी देना चाहिए, ये रास्ते पे रहते हैं वो सब
गुनाहगार होते हैं और सबका डायरेक्ट कनेक्शन दाऊद से होता है, उसको क्यों पानी देना चाहिए? ये ऑन द रिकॉर्ड आप हाउस पे बोल रहे हो। तो वही बंदी या वही बंदा आज जाके वही बंदे को पैर छुएगा, आशीर्वाद लेगा, बोलेगा कि मतदाता राजा हो आप मुझे वोट करो। सी द कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो तब तक नहीं सही तरीके से हम समझ पाएंगे कि हमारे जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, ये विचारधाराएं अभी भी बहुत ही पुरानी है, बहुत ही विषमतावादी, कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद जो है वो अभी तक कभी महिलाओं ने संभाला नहीं है, वहाँ हमको पुरुष ही लगता है क्योंकि उसको सेटिंग्स करने आते हैं, फिनेंशियल सब जो ट्रांजेक्शन है वहाँ मैनेज होता है। तो उस तरीके का हमारे सीएम देखो आप सब महिलाओं को नहीं आने देते और फिर महिलाओं का मजाक बना जो रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक मतलब 51% महिलाएं आती है जीत के, तो उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनको पावर डिसीजन मेकिंग में लेते नहीं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जहां होती है वहां पे पुरुष मैनेज होता है। तो ये ऐसे कई चीजें हैं। तो मुझे ये कहना था कि जब हम ये सब कर रहे हैं तो उसमें शहर का हक सिर्फ एक चीज से नहीं मिलेगा, कि हमको ये क्वेश्चन मार्क रखना नहीं है। मैं तो कोरो के साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल है नहीं किसका शहर है। अभी हम कहेंगे ये हमारा शहर, मुंबई हमारी है, हम सब मुंबई कर रहे हैं और हम इस मुंबई को बनाए, यही हमको कहना। तब हम राइट टू सिटी जो है वो जो शहर का हक है उसको अपने हाथ में। दूसरी बात कि जब हाथ में लेंगे तो उसके साथ में जो भी, जैसे अभी गवर्नेंस की बात तो हुई है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, उनसे मैं बहुत सहमत हूँ कि जिस तरीके का पावर जो है वो किस तरीके से मुंबई को सही में दिक्कत ले रहा है, हम इनको बहुत झगड़े हैं उनके साथ। आप बीएमसी हो, 74th कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको हक दिया है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्लानिंग अंदर 12th शेड्यूल, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्लानिंग। तो आपका जिम्मा है, आपका हक है कि वो फंक्शन आपने करना चाहिए। आप क्यों कह रहे हो कि ये जो है वो क्या बनाया है, वो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी को दिया है, वो जो है वो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को दिया है, वो जमीन पे हम नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट के जमीन पे नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब म्यूनसिपल गवर्नमेंट बनी तो क्या हम इसको आगे जाके ये एक जिम्मा ले सकते हैं कि हम अर्बन लोकल बॉडी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये कहें हम। और ये गवर्नमेंट को जब जिम्मा दिया है, गवर्नमेंट को हक दिया है कि वो शहर का प्लान कर सकता है तो वो प्लान कर सकता है। हम जाएंगे ना, हम कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ेंगे, पर साथ मिलकर उसके लिए लड़ना चाहिए। तो उस तरीके का एक मेरा सोच था कि हम मतलब हम लोगों का सोच था। दूसरा कि हर तबके की आवाज शहर के अंदर होनी चाहिए, हर तबके की। जब मैं कह रहा हूँ तब हर एक क्लास और वर्ग और लिंग, हर तबके, धर्म, सब तबके की आवाज जो है इस शहर में होनी चाहिए, तभी ये शहर जो है वो जिंदा रहेगा। और मैं बहुत कॉशियस होता हूँ जब कोई कहता है कि ये शहर अनसेफ हो रहा है। मेरा मतलब अभी हम लोग 14 तारीख को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हम पीपल्स मैनिफेस्टो दे रहे हैं शहर के लिए, तो हमारा उसका टैगलाइन है वी आर लविंग मुंबई। तो ये हमारा प्यार है, वैलेंटाइन है हमारा। तो वैलेंटाइन अगर है हमारा मुंबई तो हम कितना केयरफुल रहना चाहिए, हमको एक कदम आगे जाना चाहिए। तो ये हमारा एज अ सिटीजन एक जिम्मा होगा और ये एंगेजमेंट विद द स्टेट शुड बी क्रिटिकल एंगेजमेंट। कभी जाके हम एक दूसरे के ऊपर बहुत आवाज चढ़ाना चाहिए, पर दूसरी बार जाके
फिर चलो अभी हम इसको आगे किस तरीके से लेके जाना चाहिए, उसके ये 10 प्रस्ताव होने चाहिए, नहीं तो सेक ऑफ द आवाज, वो आवाज में कोई ताकत नहीं। तो उस तरीके का एक कंसिस्टेंट प्रोसेस जो है इस शहर के लिए चलाना होगा, और उसके लिए हमको इसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल मैकेनिज्म पे जरूर बात करनी पड़ेगी कि ये शहर मुंबई इधर चलाएंगे, हमको स्टेट और सेंट्रल ये जो पावर का जो खेल खेल रहे हैं उसको हमको चैलेंज करना पड़ेगा, तभी हम ये शहर अपने ढंग से बना पाएंगे। इस मोड पे मैं